एग्जिट पोल के रुझान मिलने के बाद बीजेपी के सीएम चेहरा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान समीरपुर में सुबह तड़के से ही प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा है। तो धूमल को बधाई देने में नेताओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं है। समीरपुर में धूमल के निवास स्थान पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। समीरपुर में धूमल ने एग्जिट पोल के रुझानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रुझान उत्साहवर्धक है और यही रुझान रहे तो सीटें बहुत ज्यादा बीजेपी को मिलेंगी। उन्होंने प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के हित के लिए नई सरकार बनने पर काम किया जाएगा और पिछली सरकार में रही कमियों को भी दूर किया जाएगा। एग्जिट पोल से जो रुझान मिले हैं वो काफी उत्साहवर्धक हैं और अगर यही रुझान रहे तो हमें लगता है सीटें बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी देंगे और प्रयास करेंगे उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करें। जो हमने वायदा किया है कि किसी भी सरकार का सबसे पहला दायित्व लोगों के जान माल और सम्मान की सुरक्षा करना होता है। पिछली सरकार में ये बातें नहीं हो पाई, माफिया राज हो गया, जान माल की सुरक्षा लोगों की नहीं हुई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अत्याचार हुआ। उन सब घटनाओं को देखते हुए सबसे प्रथम दायित्व हमारा और प्रयास यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारें, माफिया राज खत्म हो, महिलाओं का सम्मान हो, सुरक्षा उनको मिले और प्रदेश में जो विकास कार्य ठप पड़े हैं फिर से केंद्र की सहायता से उनको फिर से प्रारंभ करें और विकास को गति देकर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएं और आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की खराब हुई है उसमें सुधार लाएं, उसमें जो गलतियां हुई उनको ठीक करें और आगे बढ़ें। धूमल ने एग्जिट पोल के रुझानों पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेशों को लाभ मिल रहा है और इसी के चलते जनता का समर्थन बीजेपी को भरपूर मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश बहुत पीछे रह गया है जिसे अब बीजेपी सरकार में आगे बढ़ाना है। मानते हैं कि मुख्यतः केंद्रीय नेतृत्व अब मोदी जी का जो मिला है प्रदेश को उसका हर प्रदेश में लाभ हो रहा है। केंद्र की सरकार का जो शानदार काम 3-3.5 वर्षों में रहा है उस पे लोगों ने फिर से विश्वास व्यक्त किया है और पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे काम थे उनको स्मरण करके लोगों ने तुलना की वर्तमान कांग्रेस सरकार के साथ और पाया कि इस सरकार में बहुत पीछे रह गया प्रदेश। तो फिर से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हिमाचल को सबसे ऊपर ले जाना है तो भाजपा को लाना है और इसीलिए लगता है लोगों ने दिल खोलकर मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। धूमल ने कहा कि सरकार आने के बाद शपथ के लिए तिथि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद मंत्री पद के लिए योग्यता को आधार माना जाएगा। धूमल ने कहा कि पार्टी मंत्री पद देने से पहले सारी चीजों का मूल्यांकन और आंकलन करने के बाद ही फैसला लेगी। अब भी देखते हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद सलाह करके फिर उसके बाद कोई डेट निश्चित करेंगे और उस दिन शपथ लेंगे कि मंत्री पद क्योंकि सीमित है और किसी भी सरकार में बहुत ज़्यादा मंत्री बनाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता, तो जितने मंत्री बनेंगे वो तो काम करेंगे ही पार्टी के जनादेश जो मिला है उसके अनुसार, लेकिन हर विधायक का महत्वपूर्ण योगदान होगा, महत्वपूर्ण रोल होगा, उसका पूरा महत्व होगा, किसी विधायक को मंत्री से कम महत्व नहीं दिया जाएगा।